जय हिंद। KPIT टेक्नोलॉजी के Q4 के नतीजे आ गए हैं। नतीजे एकदम अनुमान के मुताबिक आए हैं, यानी कि बहुत शानदार आए हैं। और साथ में कंपनी ने डिविडेंड देने की भी बात कही है, तो इस वीडियो में हम लोग डिविडेंड के बारे में भी जानेंगे कि डिविडेंड कब मिलेगा और कितना रुपये मिलेगा। साथ में इसके जो Q4 के नतीजे आए हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, KPIT टेक्नोलॉजी के Q4 का रिजल्ट कल ही यानी कि 26 अप्रैल के ही दिन आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश कल नहीं आया और आज 27 अप्रैल के दिन इसका Q4 का रिजल्ट आया है, जिसमें कंपनी ने Q4 के जो नंबर आए हैं उसको जारी किया है और साथ में डिविडेंड देने की भी बात कही है। तो पहले हम लोग डिविडेंड की बात कर लेते हैं, समझेंगे कि डिविडेंड इस बार कंपनी ने 1.85 रुपये देने का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि एक शेयर पर आपको 1.85 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। और अभी इसके लिए कोई रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं किया गया है। सामान्यतः बोर्ड मीटिंग में जब कंपनियां डिविडेंड देने की बात करती हैं तो उसी मीटिंग में रिकॉर्ड डेट नहीं बताती हैं। रिकॉर्ड डेट डिविडेंड अनाउंसमेंट करने के अगले सप्ताह में बताया जाता है, तो जैसे इसका रिकॉर्ड डेट आएगा मैं भी आपको बता दूंगा। इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपया, और जब आप 10 रुपये के फेस वैल्यू पर 1.85 रुपये का डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 18.5% के आसपास आएगा। आप जानना चाहते हैं अगर कि डिविडेंड परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए बहुत आसान है कि जो रुपया डिविडेंड कंपनी देने जा रही है उसमें जो इसका फेस वैल्यू उससे डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिविडेंड परसेंट निकल के सामने आ जाएगा। कंपनियां जब भी डिविडेंड देती है हमेशा फेस वैल्यू पर ही डिविडेंड देती है, न कि शेयर प्राइस पर। अब यहां समझेंगे, लास्ट टाइम कंपनी ने डिविडेंड दिया था फरवरी 2022 में। देखिए यह एक ऐसी कंपनी साल में कम से कम एक बार तो डिविडेंड देती ही देती है, किसी किसी साल में 2 बार भी डिविडेंड देती है। तो इस साल देखेंगे तो इस बार यह कंपनी दूसरा डिविडेंड देने जा रहा है 1.85 रुपये का। इसके पिछले बार फरवरी 2022 में 1.25 रुपये का डिविडेंड इसने दिया था, यानी कि इस बार डिविडेंड बढ़ाकर दे रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। अब सीधे चलते हैं Q4 के नतीजों के ऊपर, देखते हैं नतीजे कैसे आए हैं, समझेंगे। Q4 के लिए यह कॉलम है और ये जो कॉलम आप देख रहे हैं पिछले बार की यानी कि Q3 के कॉलम के लिए है, और यह कॉलम पिछले साल के जो Q4 के नतीजे आए थे उसको बताने के लिए बनाया गया है। तो देखेंगे Q4 में कंपनी का रेवेन्यू हुआ है 6,648 करोड़ रुपए का, सारे फिगर्स करोड़ में है, और पिछले बार इसको जो रेवेन्यू हुआ था 6,309 करोड़ का हुआ था, यानी कि क्वार्टर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू बढ़ा है। और अगर सालाना स्तर पर देखें तो पिछले साल जो Q4 का नतीजा आया था कंपनी के उसमें इसका रेवेन्यू हुआ था 5,466 करोड़ का, यानी कि सालाना स्तर पर भी और क्वार्टरली स्तर पर भी कंपनी ने अच्छा सेल्स किया है और उसको अच्छा इनकम प्राप्त हुआ है। अब बात करें खर्चे की, तो देखिए Q4 में इसका खर्चा हुआ है 5,681 करोड़ रुपये का, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,430 करोड़ खर्च हुआ था, यानी कि आप देख रहे हैं क्वार्टर बेसिस पर जैसे इसका रेवेन्यू बढ़ा है उसी हिसाब से कंपनी का खर्चा भी बढ़ा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसका खर्चा इसके रेवेन्यू से अधिक नहीं है, नहीं तो इससे फिर लॉस बढ़ता है। पिछले साल का अगर Q4 की बात करें तो उसमें देखेंगे 4,876 करोड़ रुपये कंपनी ने अपने बिजनेस पर अपने अलग अलग कार्यों पर खर्च किए थे। अब बात करें PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यह टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनियों के पास बचता है, इसलिए इसको शुद्ध प्रॉफिट भी कहते हैं। तो Q4 में प्रॉफिट हुआ है 805 करोड़ रुपये का, जो पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 703 करोड़ का था, और अगर साल भर पहले देखेंगे तो 527 करोड़ रुपये का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, यानी कि सालाना स्तर पर भी और क्वार्टरली स्तर पर भी कंपनी को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। अब EPS की बात करें, EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, यह एक शेयर पर एक साल में कितना रुपया बढ़ा उसको बतलाता है। तो देखेंगे Q4 में इसका अर्निंग पर शेयर हुआ है 2.92 रुपये, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2.60 रुपये, तथा अगर साल भर पहले की बात करें तो यह था 1.95 रुपये, यानी कि इसका अर्निंग पर शेयर भी बेहतर हुआ है पिछले सभी क्वार्टर के मुकाबले। अब देखिए ओवरऑल अगर बात करें तो इस कंपनी के Q4 के नतीजे काफी शानदार आए हैं, और हम देख रहे हैं पिछले कई क्वार्टर से इसका हर एक क्वार्टरली रिजल्ट अपने पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी बेहतर आते जा रहा है। तो एक बात स्पष्ट है, अभी जो नतीजे आए हैं उससे मान के चल सकते हैं कि इसके शेयर प्राइस में एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो आप इस कंपनी को लंबी नजरिया की वजह से देखिए, आने वाले समय में मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी ज्यादा फायदा देगी। तो उम्मीद करता हूं यह अपडेट आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे Instagram पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।